हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू लुक लेके आई हूँ जो कि है बिहारी लुक। तो उस लुक के लिए मैं आज पहनी हूँ साड़ी, देख सकते हैं आप लोग। साड़ी पहना है मैंने रेड कलर का और आप सबके साथ ये लुक मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने फेस पे अपने मॉइस्चराइजर लगा लिया। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद फिर मैं करेक्टर अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ मेरे डार्क स्पॉट है वो सब छिपाने के लिए। तो करेक्टर यूज़ करने से आपके सारे डार्क स्पॉट्स छिप जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के होते हैं डार्क स्पॉट, आपको अपने हिसाब से करेक्टर का यूज़ करना पड़ता है। तो करेक्टर यूज़ करने के बाद मैंने फाउंडेशन का यूज़ किया है। फाउंडेशन मिला के अच्छी तरह से पहले मैंने पाउडर का यूज़ कर लिया था ताकि मेकअप मेरा अच्छे से फिक्स हो जाए। उसके बाद फिर फाउंडेशन लगाया। फाउंडेशन लगाने के उसको मैं ब्लेंड ब्लेंड करते गई। बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करना पड़ता है। फिर नेक पे भी लगाया। यार नेक तो काला नहीं छोड़ सकते, फेस गोरा और नेक काला अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नेक पे भी लगाया। फिर उसके बाद मैंने कंसीलर लगाना शुरू किया। कंसीलर भी आपको अपने अंडर आईज और जहाँ जहाँ डार्क जगह है वहाँ पे लगाना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद उसको भी ब्लेंड कर लेना है। और कंसीलर लगाने के बाद आप देखेंगे आपका फेस थोड़ा सा ग्लो कर रहा है क्योंकि कंसीलर से फेस ग्लो करता है। और उसके बाद फिर मैं ब्लश के लिए यूज़ करेंगे पिंक कलर का ब्लश, देख सकते हैं आप। मैंने नाक से लेके अपने चिक्स तक पूरा लगाया। उसके बाद मैंने पाउडर से पूरा बेकिंग किया अपने फेस को। उसके बाद फिर उसको ब्रश से हटा लिया, अच्छे तरीके से रिमूव कर लिया तो पाउडर भी सेट हो गया। उसके बाद फिर जाके मैंने अपने आईज का मेकअप करना शुरू किया। आईज पे सबसे पहले मैंने कंसीलर का यूज़ किया है, उसके बाद उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद फिर मैंने पाउडर भी लगाया था, वो मैं दिखा नहीं पाई, आप पाउडर भी लगा लेना। उसके बाद फिर मैंने आईज मेकअप के लिए उसमें ऑरेंज कलर का शेड लिया। सबसे पहले लाइट कलर का शेड लिया मैंने, उसके बाद फिर मैंने डार्क कलर का शेड लिया है। आप देख सकते हैं रेड में मैंने लिया है क्योंकि मेरी साड़ी रेड थी तो, और बिहारी लुक है तो उसको थोड़ा चकमक तो बनाना पड़ेगा ना यार। तो उसके बाद फिर मैंने आईज पे ग्लिटर भी लगाया चकमक चकमक के लिए, अच्छा लगता है दिखने में। और उसके बाद फिर मैंने अपने आईब्रोज फिल किए अच्छी तरीके से, और उसके बाद जाके फिर मैंने लिपस्टिक लगाए। लिपस्टिक को अच्छी तरीके से रेड भी नहीं लिया मैंने, हल्का पिंक कलर में लिया है क्योंकि ज़्यादा रेड अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद फिर मैंने आईज पे अपने ब्लैक कलर का काजल लगाया है अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर आईलाइनर भी लगाऊंगी, मस्करा भी लगाऊंगी। और आईलाइनर और मस्करा तो आपके लुक में चार चांद भर देते हैं। इससे बिना आईलाइनर और मस्करा और काजल के तो हम लड़कियां कहीं भी नहीं जाती है। वही तो है जो अपनी आंखों का राज है, सुंदर सुंदर आंखों के राज। फिर उसके बाद मैंने अपने चिक्स पे ब्लश लगाया, मतलब ब्लश नहीं सॉरी मैंने हाइलाइटर लगाया सब जगह पे। और फिर मैंने ज्वेलरी पहन लिया जो कि बिहारी वाले पहनते हैं जैसे वैसे। तो आपको कैसा लगा ये लुक ज़रूर आप बताएं।